तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो कि बड़े ही भयानक है, मतलब अपने आप में ही बहुत भयानक है। ये इनका दिमाग इतना तेज दौड़ता है जितना तेज तो बिजली के खंभों में नहीं, बिजली के वायरों में बिजली नहीं दौड़ती होगी भाई। तो आज हम बात करने वाले कुछ यूट्यूबर्स के बारे में जो कि इतना दिमाग लगा के बैठे इस पृथ्वी के ऊपर कि उतना दिमाग तो है ही नहीं उनके पास भाई। मतलब उनकी सोच इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि भाई साहब उनकी सोच का कोई ठिकाना नहीं रहा है। नहीं, मेरी तरफ से तो उनकी सोच को कते कोटि कोटि प्रणाम नमन जो भी कहते हैं ना, सब कुछ है यार। तो देखो, यूट्यूब पे मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जो वीडियो बनाता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? वैसे यूट्यूब पे मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जो वीडियो बनाता हूँ, इसका क्या लॉजिक है? सारे यूट्यूबर वीडियो ही बनाते, कौन मुजरा करता है? मुजरे में भी तो वीडियो होती होगी ना। खैर, इन सब चीजों को साइड में रखो, मैं जो कह रहा हूँ उसमें फोकस करने की कोशिश करो कि कुछ बंदे आते हैं मेरी वीडियो देखते हैं और उसके बाद कमेंट सेक्शन में भाई साहब इतनी बुरी चीज लिखते हैं ना, क्या ही बताएं यार, दिल से बुरा लगता है भाई। मतलब सीधा लिख के जाते हैं प्रेम पत्र, और प्रेम पत्र इतना खतरनाक होता है जिसे पढ़ने के बाद मेरा मन करता मैं बेहोश हो जाऊं। एक बंदे का एक दिन मुझे कमेंट आता है, वो सीधा लिखता है भाई मेरी वीडियो वायरल कर दो यार, और इसे पढ़ने के बाद तुम यकीन मानो मैं 3 घंटे के बाद ना सदमे में चला गया था। 3 घंटे तो मैंने सोचा कि ये कहना क्या चाहता है, उसके बाद मैं सदमे में चला गया और आज होश आया मुझे, इसलिए मैंने 3 दिन से वीडियो भी नहीं बनाई है। तो देखो यार, होश आने के बाद वो अपने प्यारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे चला आया आप सबको बताने के लिए कि उसने जो कमेंट करा था ना, उसे सोच सोच के मैं पागल हो चुका हूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। मतलब मैं ऐसा आदमी होता जिसको पता होता कि वीडियो वायरल कैसी होती है, तो भैया ये जो 14-15 हज़ार सब्सक्राइबर किए हैं ना मैंने गेन, ये 14-15 हज़ार क्यों होते हैं यार? मैं तो अपनी वीडियो वायरल कर रहा था, लाखों में करोड़ों में मिलियंस में व्यूज खा जाता अब तक, और मेरे सब्सक्राइबर तो कैरी से भी आगे होने चाहिए थे, क्योंकि कैरी को क्या पता यार वो कैसे वीडियो वायरल करेगा, पता तो मुझे है ना, मैं तो वीडियो वायरल करना जानता हूँ। अबे भाई, कुछ कमेंट करने से पहले कुछ सोच भी लिया करो यार, मतलब बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है भाई। मतलब तुम दिमाग लगाओ, मेरे पास कोई ऐसी जादू विद्या होती, कोई जादू टोना होता जिसे अपना के मैं अपने वीडियो वायरल कर दूं, तो सबसे पहले मैं खुद के वीडियो वायरल नहीं करता, खुद के वीडियो जो व्यूज नहीं आ रहे दूसरे की वीडियो वायरल कर दूंगा। नहीं मतलब ये कौन सा लॉजिक है यार, मुझे तो समझ में आता नहीं है, अगर तुम्हें समझ में आता हो तो मुझे जरूर बताना। और कुछ बंदे आते हैं जो कि सीधा लिखते हैं भाई प्लीज सपोर्ट कर दो, भाई भाई सपोर्ट चाहिए बस, और कुछ चीज चाहिए ही नहीं हमें जिंदगी में। नहीं मुझे एक बात बताओ, पहले के टाइम में तुम टिकटॉकर हुआ करते थे क्या? मतलब तुम यूट्यूब पे कर क्या रहे हो यार? कंटेंट गया भाड़ में, तुम्हें बस सपोर्ट से मतलब है? मुझे पता है ये लाइन मैंने कैरी की कॉपी करी है, लेकिन बोली तो अपने ही मुंह से है ना। नहीं तुम्हें समझाने के लिए अब हिंदी भी अलग से बनानी पड़ेगी क्या? मतलब मैं ऐसा तो इंसान हूं नहीं कि अपने लिए कोई अलग लैंग्वेज बना लूं जिसमें तुम्हें समझाऊं। भैया वो टैलेंट तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि नहीं भाई साहब आप किसी का ट्रेंड कॉपी नहीं कर सकते, तो अगले टाइम से नहीं करेंगे और तो क्या ही कर सकते हैं। अरे मैं तो करूंगा यार। तो देखो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बॉलीवुड से कतई कम नहीं है, यहाँ पे बहुत लोग अपने सपने लेके आते हैं, उन्हें साकार करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग कर देते हैं, कुछ लोगों के नहीं हो पाते हैं, तो इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है भाई। बॉलीवुड में कुछ लोग स्टार बनने के लिए जाते, कुछ बन जाते, कुछ नहीं बन पाते, तो जो नहीं बन पाते वो क्या जिंदगी नहीं जीते क्या आगे जाके? जो लोग यहाँ पे सक्सेस होना आए और मेहनत कर रहे हैं उन्हें पता होगा मेरी बातों का मतलब, वो समझ रहे होंगे। बाकी देखो यार, जाते जाते मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि भैया इस बात को छोड़ दो यार, मेरी वीडियो वायरल कर दो, मुझे सपोर्ट कर दो, क्योंकि इन बातों का कोई मतलब नहीं है। दूसरे के दम पे तुम कितना ही आगे चले जाओगे मुझे बताओ, आए दिन तुम्हें कोई प्रमोट करता रहेगा क्या? एक दिन मैंने तुम्हें प्रमोट भी कर दिया, या फिर आपको कैरी मिनाटी ने ही प्रमोट कर दिया, तो भैया उसके नाम पे कितने दिन व्यूज ले लोगे? मतलब आपका कॉन्टेंट अच्छा होगा तो ही तो लोग आपको देखेंगे ना। तो आज मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, एक शेर की और गधे की, जो कि आपने सुनी होगी। शेर और गधे दोस्त होते हैं, जंगल में जाते हैं, तो भैया शेर और गधे जब साथ में होते हैं तो अदर जानवर उन्हें देख के भाग जाते हैं, लेकिन गधा एक दिन अकेला चला जाता है और चिल्लाने लगता है, बाकी के जानवर उस पर हमला कर देते हैं और चीर फाड़ के खाते जाने क्या करते वो तो मुझे भी नहीं पता। तो देखो दूसरे के दम पे कितना ही उछल लोगे, मतलब कितना ही सपोर्ट ले लोगे दूसरे के दम पे तुम। वो गधा जिस तरह से मारा गया था ना, वो हाल आपके साथ ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि दूसरा तुमको कितना ही सपोर्ट कर लेगा ना, आगे जाके तुम्हें कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। लेकिन खुद की मेहनत से अगर तुम आगे जाओगे, जितने भी सब्सक्राइबर गेन करोगे यूट्यूब पे खुद की मेहनत से अगर करोगे ना, तो जनता तुम्हें लॉन्ग टाइम सपोर्ट करेगी मेरे भाई। तो इन सारी चीजों को छोड़ो यार कि मुझे सपोर्ट कर दो, मुझे प्रमोट कर दो, इससे अच्छा है थोड़ी मेहनत कर लो, अच्छा कॉन्टेंट डाल लो, अपना तो कुछ एफर्ट लगाओ यार, ये दूसरे से उम्मीद लगा के क्यों बैठे हो भाई आप लोग। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं एक हरामजादा हूँ, हरामजादगी से भरा हुआ हूँ, कुछ भी बोल के चला जाता हूँ, इसके तो 10-15 हज़ार हो चुके हैं, ये तो ऐसे बकवास करता रहता है, तो बाकी आपकी मर्जी। तो अंत में मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना मेरे लिए, मतलब अच्छा होगा यार आप कमेंट करोगे, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और तो क्या ही करोगे, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो मैं आए दिन डालता रहता हूँ जिन्हें आप देख सकते हो, मजे कर सकते हो।